महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि दो दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह बारिश किसानों की फसलों को प्रभावित कर रही है। भारी बारिश से किसानों को नुकसान हो रहा है और उसका आलम यह है कि बुलढाणा जिले में तेज बारिश से किसान काफी परेशान है। बारिश की वजह से किसानों के खेत में कटी हुई फसल पूरी तरह से भीग गई है। असल में महाराष्ट्र में दो दिनों से हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी है। मसलन राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मुंबई समेत पूरे इलाके में बारिश जारी है, साथ ही पुणे, नासिक, सोलापुर, मराठवाड़ा समेत राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कोंकण और विदर्भ क्षेत्र में 14 अक्टूबर तक तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। उधर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में रात से बारिश जारी है। जिले के शेगांव, संग्रामपुर, नंदूरा, मलकापुर, बुलढाणा और चिखली तालुका में भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। जिले में सबसे ज्यादा सोयाबीन और कपास की खेती की जाती है। जिले के कई तालुकों में किसानों ने अपने अपने खेतों में सोयाबीन की फसल काट कर रखी थी, लेकिन बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। काटी गई सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई और इससे किसानों को डबल नुकसान हुआ। इस समय खेतों में फसल की कटाई शुरू हो गई है, ऐसे में अचानक बारिश होने से तैयार फसल को नुकसान हो रहा है। इस बारिश के से तैयार फसल तो बर्बाद हो ही रही है, साथ में जिले में सोयाबीन और कपास की जो कटाई की जा रही है, कुछ स्थानों पर किसानों द्वारा सोयाबीन की कटाई पूरी की जा चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से सोयाबीन पड़ी हुई खराब हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर सोयाबीन के साथ कपास की फसलों को भी नुकसान का आकलन लगाया गया है। एक तरफ बारिश ने किसानों को परेशान किया तो वहीं दूसरी ओर सोयाबीन को बाजार में बहुत कम भाव मिल रहा है। सोयाबीन की कीमतों में गिरावट की वजह से किसानों को डबल नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।